गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर कोड B 203 का जो पेपर कोड है उसमें से एक टॉपिक है ओवरहेड प्रोजेक्टर, वो लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसमें हम उसके परिचय और ओवरहेड प्रोजेक्टर के भाग, विशेषताएं, लाभ और सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर का परिचय। ओवरहेड प्रोजेक्टर को शिरोपरि प्रक्षेपक भी कहा जाता है। 1870 के दशक में फ्रांस के वासी चार्ल्स फ्रांसिस जैक्सन ने 1894 में ओवरहेड प्रोजेक्टर का निर्माण किया था। पहली बार इसका प्रयोग पुलिस कार्य के लिए किया गया था। सन 1950-60 के दशक तक स्कूल कॉलेज में भी इसका उपयोग किया जाने लगा। कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट पर लिखते हैं अथवा शिक्षण के समय श्यामपट पर चित्र या आरेख बनाते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है। इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेक्षण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप कभी कभी कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या का निवारण ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से किया जा सकता है। आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर अध्यापक द्वारा ओवरहेड प्रोजेक्टर का अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें दर्शाए जाने वाली सामग्री का प्रतिबिंब इमेज दिखाने वाले के पीछे अथवा सर के ऊपर से आता है। इस प्रोजेक्टर द्वारा ट्रांसलेंसेस का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा सूचनाओं को प्रक्षेपित या प्रोजेक्ट किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हुए अध्यापक पूरी कक्षा का सामना कर सकता है तथा स्वाभाविक ढंग से पढ़ाता भी रहता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर को अध्यापक कक्षा में अपने मेज पर रखकर प्रयोग कर सकता है। जब भी आवश्यकता होती है, अध्यापक ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा अनुदेशन सामग्री को स्क्रीन या पर्दे पर प्रक्षेपित कर सकता है और अपना कार्य जारी रख सकता है। लेकिन इसके लिए ट्रांसलेंसेज बनानी पड़ती है तथा यह कार्य कक्षा शिक्षण से पहले ही करना पड़ता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्तम संप्रेक्षण की विधि है। अब हम बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के भाग, यानी कि पार्ट्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर के प्रमुख भागों का विवरण निम्नलिखित है। मेनली ओवरहेड प्रोजेक्टर के चार भाग होते हैं। फर्स्ट है कैबिनेट, दूसरा है प्रोजेक्शन लैम्प, तीसरा है ठंडा करने की व्यवस्था और चौथा है आपका फोकस व्यवस्था। तो हम पहले भाग की बात करते हैं कैबिनेट। कैबिनेट यह एक प्लास्टिक या स्टील का एक डिब्बा होता है, जिसका आकार प्रोजेक्टर की क्षमता पर निर्भर करता है। इस कैबिनेट पर नीचे के भागों में प्राय एक पंखा, प्रोजेक्शन लैम्प तथा पावर असेंबली होती है। नंबर टू, प्रोजेक्शन लैम्प। प्रोजेक्शन बल्ब तथा बल्ब होल्डर को मिलाकर प्राय प्रोजेक्शन लैम्प कहते हैं। इस बल्ब के प्रकाश से बनी आकृति संप्रेक्षणकर्ता के पीछे स्पष्ट दिखाई देती है। संप्रेक्षणकर्ता यानी कि बोलने वाला। ठंडा करने की व्यवस्था, कूलिंग सिस्टम। इस यंत्र को ठंडा करने के लिए प्रोजेक्टर के नीचे पंखे लगे होते हैं, जिनके माध्यम से लैम्प के पीछे से वायु के निरंतर बहाव की व्यवस्था रहती है। देखो, जैसा कि आपको इस चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया गया है, इसमें परावर्तक है यानी कि पारदर्शिया, ट्रांसपेरेंसीज, और ये विद्युत लैम्प है और ये एक दर्पण है, यानी कि एक कैबिनेट का जो आपका फर्स्ट आपका बोला कैबिनेट। कैबिनेट एक प्लास्टिक का स्टील का डब्बा बना हुआ है, जिसके ऊपर जो शीशा है उसे जो आपकी रिफ्लेक्शन जो लाइट्स हैं वो दो लेंस से गुजरती हुई ऊपर भी एक दर्पण होता है उस पर रिफ्लेक्ट करती है, प्रक्षेपित करती है जो भी हमने आकृति ये ट्रांसपेरेंसी जो हमने यहाँ पर लगाई होती है, और वो दर्पण के थ्रू इस प्रकाश से परिवर्तित होती हुई सीधा पर्दे पर प्रदर्शित होती है, जो कि हमारी कक्षा के पीछे लगा होता है। अब हम करते हैं नंबर फोर की बात, फोकस व्यवस्था। कैबिनेट की शीशे की प्लेट से निकलने वाले प्रकाश को स्क्रीन पर केंद्रित करने के लिए विशेष प्रकार के लेंस प्रयुक्त करते हैं, जो फ्रेम में स्टैंड लगे होते हैं। यह स्टैंड कैबिनेट पर एक कोने पर लगा होता है।
अब हम बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर की विशेषताएं, यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऐसी कौन कौन सी फीचर्स हैं जो ओवरहेड प्रोजेक्टर को खूबियों को बताती हैं। तो पहला है विस्तृत भाव, लार्ज इमेज। एक बहुत ही विस्तृत प्रोजेक्ट इमेज कम से कम दूरी पर प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि हमने कोई भी हमारी जो भी शिक्षण सामग्री है उसको हमने बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, तो वो इमेज हमने उसकी क्या बना दी, ट्रांसपेरेंसीज बना दी, तो वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्ट इमेज। जो कि हमारे कम से कम दूरी पर, यानी कि जो हमारा श्यामपट है, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, उसके नज़दीक ही वो हमें दिखाई देती है प्रोजेक्ट के थ्रू, वो इमेज, वो शिक्षण सामग्री जो हम बच्चों को आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। नंबर टू, दर्शकों का चेहरा, फेस ऑफ द ऑडियंस। दर्शक मीन्स स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। शिक्षक हमेशा कक्षा की तरफ देख सकता है, वह छात्रों के भावों को भी उनके चेहरों पर देख सकता है। यानी कि जो भी हमने शिक्षण सामग्री मतलब प्रक्षेपित की है पर्दे पर, उसे उसके थ्रू हम हर एक अपनी जो भी हम टीचिंग पॉइंट्स विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं वो इजीली बता सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स के हाव भाव है कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, उनको भी हम देख सकते हैं। रोशनी का कमरा, लाइटेड रूम। इस साधन को उपयुक्त रोशनी वाले कमरे में, जहाँ की शिक्षक दूसरे के भावों को देख सकता है, प्रयोग में लाना चाहिए। नंबर फोर, संचारक के साथ पहचान, आइडेंटिफाई विद द यूज़र। जब ओवरहेड प्रोजेक्टर में कोई भी शिक्षण या प्रदर्शन का कार्य होता है तो दर्शक और संचारक दोनों ही दृष्टि से वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट अट्रैक्शन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी कि अध्यापक कक्षा के साथ अंतःक्रिया आसानी से कर सकता है। नंबर फाइव, हल्का भार, लाइट वेटेड। जिस साधन से इसका प्रयोग वहनीय बनाया जाता है वह काफ़ी हल्का होता है, क्योंकि जो हम ट्रांसपेरेंट शीट्स बनाते हैं जिसके माध्यम से हमें अपनी शिक्षण सामग्री प्रेजेंट करनी है, वो बहुत ही क्या होती है, हल्की होती है। नंबर सिक्स, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। यंत्र चलाने वाले की दृष्टि से समन्वय संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के साथ बहुत ही लचीला रहता है, शिक्षक संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित रखता है। नंबर सेवन, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण, पर्सनल प्रेजेंटेशन। व्यक्तिगत जो हम ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाते हैं, तो इसमें हम पर्सनल प्रेजेंटेशन क्यों बोला गया, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया क्यों बोली गई, क्योंकि जो अध्यापक है वो व्यक्तिगत रूप से अपनी ट्रांसपेरेंसीज, अपनी पारदर्शिता तैयार करता है, अपने अनुसार प्रयोग करता है उन पारदर्शियों का, इसलिए इसे व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। गृह निर्मित वस्तु, होम मेड मटीरियल। प्रदर्शन वस्तुओं को कम व्यय और कम समय पर प्रभावात्मक रूप में दर्शाया जा सकता है। एक बार जब पारदर्शिता बन जाती है तो फिर उसे दोबारा से पुनः प्रयोग किया जा सकता है, वह हमेशा स्थायी रहती है। अब हम बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के लाभ की, एडवांटेजेस ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, कि ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। नंबर वन, इस यंत्र को प्रयोग करने के लिए अंधेरा कमरा नहीं चाहिए। नंबर टू, शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को क्रम में बांधकर प्रदर्शित किया जा सकता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा विद्यार्थियों के ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर पर पाठ्य सामग्री का पुनः उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जो आज हमने आपको ट्रांसपेरेंसीज या पारदर्शियों के द्वारा जो भी पाठ्य सामग्री पढ़ाई है उसका कुछ समय पश्चात हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में बड़ी तस्वीर, यानी कि जो भी हम ट्रांसपेरेंसीज बना रहे हैं वो पर्दे में हमें कैसी दिखती है, बड़ी। उपयोग में आसान, ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग करना आसान होता है, इसमें केवल स्विच को ऑन और ऑफ करके उसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, समय की बचत, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते समय हमें समय की बचत होती है, यानी कि अध्यापक को बार बार ब्लैकबोर्ड या श्यामपट पर नहीं जाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर की सीमाएँ, लिमिटेशंस ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, कि जब हमें इतने सारे यूजेस और जब हमें इतने सारे फीचर्स मिले हैं, कहीं ना कहीं उसकी हमें कमियां भी मिली होगी, तो हम इसकी कमियों की बात करते हैं। पहली, फर्स्ट, इसकी जो सीमा है, यह यंत्र अधिक महंगा होता है। नंबर टू, सभी विद्यालय इस यंत्र को खरीद नहीं सकते।
ओवरहेड प्रोजेक्टर को चलाने के लिए अध्यापक दक्ष नहीं होते हैं, पहले अध्यापक को स्वयं अभ्यास करना होता है। नेक्स्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर विद्युत द्वारा चलता है, विद्युत ना होने पर इसका उपयोग संभव नहीं होता है। नेक्स्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर आकार में बड़ा और भारी होता है। लास्ट पॉइंट, ओवरहेड प्रोजेक्टर को कम व्यावसायिक या प्रोफेशनल माना जाता है। थैंक यू।